करते हैं कि आपको जो पिछला लेक्चर है वो काफ़ी पसंद आया होगा। वो देखिए, अगर इस लेक्चर को समझना है या इस लेक्चर में अगर आपको एंट्री लेनी है तो आपको पिछला लेक्चर क्योंकि हर एक लेक्चर की कड़ी एक दूसरे लेक्चर से चलेगी। और अगर आप चाहते हैं हो और इसमें आपके एग्ज़ाम रिले कवर हो, एग्ज़ाम में बैठ के आप पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन कर सको, तो उसका एक ही एक मतलब होना चाहिए कि हमें जो भी फैक्ट, जो भी मटेरियल पढ़ना है उसको शुरुआत से लेके कंटिन्यू रखना है और अंत तक उस कंटिन्यूटी को बनाए रखना है। आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिटिक्स कवर हो, पिछले लेक्चर को जरूर देखिएगा। और देखिए, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप वीडियो को लाइक करने से मना नहीं करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। हम पिछले लेक्चर संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, क्या क्या चेंजेस आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उसके बाद कैसे उन्होंने अलग अलग एक्ट पास किए, जैसे पहला चार्टर उन्होंने 1773 में पहला लगातार चार्टर देते गए, और जो आखिरी चार्टर है वो हमारा 1854 का था। और उसके बाद अगर एक्ट की बात तो एक्ट हमारे लगभग 1858 से शुरू हुए। और उस 1858 के एक्ट से ये सीखा कि देखो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था या जो भी शासक था या राजा था, उसने कैसे हमारे भारत की कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद यहाँ के शासक बने और शासन को अपने तरीके से डेवलप किया। तो इसी का जो आखिरी अधिनियम है, आखिरी एक्ट अगर हम बोलें तो 1947 का, जिसे हम भारतीय स्वतंत्रता एक्ट कह सकते हैं। और इस एक्ट की विशेषता क्या थी कि इस एक्ट को हमने 1947 प्रधानमंत्री एल, ये क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस 1947 था, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लेमेंट एटली थे, ठीक है। और उसने क्या किया, मुस्लिम लीग और भारत के विभाजन की बात, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने स्वतंत्रता एक्ट पास करेंगे तो मुस्लिम लीग के आंदोलन के अनुसार भारत का विभाजन करेंगे, मीनिंग दो राष्ट्र की जो धारणा थी क्लेमेंट एटली के समय से ही शुरू हो चुकी थी। और 1947 को फिर स्पष्ट किया कि 1947 में संविधान क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अब देखो, 1946 में जो संविधान सभा गठन की गई उसके लिए भी उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अगर आप मानना चाहो तो मान, आप मान सकते हो, मानना चाहो तो आप मान सकते हो, अदरवाइज आप उसके लिए बाध्य नहीं हो। ये सब बोला गया था किसमें, जब 1947 का एक्ट पास हुआ। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं। देखो, एग्जाम के अगर कंट्रीब्यू से देखें तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अगर पूछ लेगा कि इंग्लैंड, ये कॉमन क्वेश्चन है कि 1947 के टाइम कौन था, प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, ठीक है, यह घोषणा कब हुई थी कि संविधान सभा का गठन होगा 3 जून 1947 को, भारत में ब्रिटिश राज 1947 को, ठीक है, ये घोषणा।
थी। और इसने भाजन कर दो स्वतंत्र डेमोनियन राष्ट्र बना दिए थे, सर्जन किया था। और इससे राष्ट्रमंडल से अलग, ये राष्ट्रमंडल क्या है? जो राष्ट्र इंग्लैंड के अधीन या ब्रिटिश शासन के अधीन रहे हैं उन्हें राष्ट्रमंडल के अंदर गिना जाता है, और वो उससे अलग हो सकते हैं। उन भारत या पाकिस्तान जो भी सत्ता में बनेंगे, या चाहे तो इंग्लैंड के द्वारा बनाए गए ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से राष्ट्रमंडल के अंदर रह भी सकते हैं, उससे बाहर भी जा सकते हैं। यह भी इसके अंदर थी, यह भी काफी बातें हुई। उसके बाद भी दो राज्य बना दिए, गवर्नर जनरल पद आया। अब देखो, बोला जाता है, हमसे क्वेश्चन आता है ना बार बार कि भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, भारत का आखिरी गवर्नर जनरल, ठीक है? तो हम, और अगर पहला गवर्नर जनरल बात करें तो श्री राजगोपालाचारी की बात होती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसने डोमिनियन राज्यों के संविधान सभाओं को अपने देशों का आजादी दे दी कि तुम अपना अपना संविधान बनाओ, ठीक है, और अपने तरीके से संप्रभु बनो और खुद को एक राष्ट्र घोषित करो। ये व्यवस्था थी 1947 के एक्ट में। दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि हम आजाद तो हुए, हमें प्रभुता मिली, मगर लेकिन जो हिंदू मुस्लिम एकता थी हमारी, वह हिंदू बनाम मुस्लिम बन के दो राष्ट्र का हम निश्चित कर चुकी थी। हिंदू मुस्लिम एकता 1947 तक, जो गवर्नर जनरल का पद आया 1947 तक, थोड़ा बफरिंग हो रही है ना, बफरिंग का थोड़ा अब सेटिंग करते हैं, एक बार थोड़ा प्रॉब्लम है, रुकिए एक मिनट। अब देखिए, हम कर रहे थे बात कि हिंदू बनाम मुस्लिम, हिंदू बनाम मुस्लिम जब हुआ, यह कंसेप्ट हिंदू मुस्लिम एकता पची नहीं कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक रहे तो हम इस पर शासन नहीं। उन्होंने ऐसी स्थितियां पैदा की कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के विरुद्ध में खड़े हों, क्योंकि सबसे ज्यादा मेजोरिटी हिंदू की थी, और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो इस एरिया में सबसे ज्यादा गिनती मुस्लिम की थी। तो अगर देखें अंग्रेजों का विरोध करने वाले, तो सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा गिनती में लोगों ने इनका विरोध किया, क्योंकि बंगाल से जब इनका शासन शुरू हुआ था तो उस टाइम अंग्रेजों का विरोध करने वाले इतने लोग नहीं थे, पर जैसे जैसे यह लखनऊ तक पहुंचे, उसके बाद दिल्ली पे इन्होंने शासन पर कब्जा किया, और ये पंजाब की तरफ बढ़े, और उसके बाद कब्जा करने की इनकी ये नीतियां चली, तो लोगों ने देखा कि ये हम पर कब्जा करते जा रहे हैं। फिर कुछ हद तक देखो, जो भारत के राष्ट्रवाद की एक क्वेश्चन बहुत मशहूर है, एक बहुत कि भारत का राष्ट्रवाद देखो कब हुआ, 1905 की अगर बात करें, 1905 की अगर बात करें आप, 1905 के अंदर एक ऐसा सिस्टम था कि करजन था उस टाइम। करजन ने क्या किया कि उसने देखा कि बंगाल में मुस्लिम ज्यादा हैं, है उसमें हिंदू थे, तो उसने क्या, बंगाल का विभाजन कर दिया इस आधार पर कि यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं है। वहां से राष्ट्रवाद काफी मात्रा में उभरा, लोगों के दिमाग में बात आई कि यह हमें बांटने की अब कोशिश कर रहे हैं,
यहीं से शुरू होता है राष्ट्रवाद। यह बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद चरम सीमा पर कब पहुंचा, कब बहुत बड़ी मात्रा में राष्ट्रवाद का उभार हुआ। तो यह 1905 का बंगाल तो उसके अंदर पंद्रह अगस्त 1947 तक आते आते उस विभाजन की, जो हिंदू मुस्लिम एकता की छड़ी चली थी, उसको इन्होंने तोड़ दिया और दो राष्ट्र हुआ। ये क्या था? एक था पाकिस्तान और एक था भारत। भारत दो राष्ट्र बने। वायसराय का पद भी खत्म हो गया इसके अंदर, भारत के सचिव का पद भी खत्म हो गया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश प्रभु संपदा ये भी खत्म कर दी, जो भारत में लगभग 560 के आसपास रियासतें थी, उन सभी को भी उन्होंने कह दिया कि आप आजाद हो, चाहे पाकिस्तान के साथ जाओ चाहे आप भारत के साथ जाओ, इसके लिए उनको खुली छूट। यह आपका निर्णय है कि आप किस राष्ट्र के साथ रहना चाहते हैं। तो इसी दौर में हम एक बहुत महत्वपूर्ण नेता का नाम याद कर लेते हैं, जो हमारे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन रियासतों को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया था कि तुम आजाद हो, चाहे तुम भारत के साथ जा सकते हो चाहे तुम पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, तो भाई पटेल और इसके साथ कुछ और दिग्गज नेताओं ने अपनी सोच इन रियासतों को भारत की तरफ जोड़ने का कार्य किया, और इसीलिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर को भारतीय एकता दिवस मनाते हैं या भारतीय अखंडता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इतनी सारी रियासतों को एक साथ लेके आने का श्रेय लगभग हमारे लोग पुरुष सरदार भाई पटेल को ही जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 15 अगस्त 1947 को रियासतों की तो समाप्ति हो ही चुकी थी। उसके बाद ही एक आदिवासी क्षेत्र समझौता पर भी ब्रिटिश ने अपना क्या हस्तक्षेप किया था, समाप्त कर दिया। आदिवासी क्षेत्र हम देखते हैं, जैसे हमारे पास ठीक है अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, यहाँ पर काफी आदिवासी जातियां हैं। उन लोगों के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक समझौता था कि वह इनके साथ लड़ने के लिए, जब देखो जापान के साथ युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, तो उस टाइम इस एरिया की सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता हो गई थी, कि क्योंकि अगर इस एरिया में जापान एंट्री ले जाता तो वह लगभग भारत पर कब्जा करने के लिए तैयार हो जाता। तो इसी वजह से आदिवासी क्षेत्रों के साथ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो समझौते थे उन्होंने सबको समाप्त कर दिया, और इनको भी बोल दिया था कि आप चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हो चाहे आप रह सकते हो। अब इससे अगला जो है, भारतीय रियासतों को भी यह स्वतंत्रता मिली, वह ठीक है दोनों में से, ये इस बात का हम चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय रियासतों का हो चुका था, चाहे वह पाकिस्तान के साथ जाएं चाहे वह भारत के साथ जाएं। उसके बाद अगला क्या है? थी कि जब भी आप संविधान बना लोगे, दस्तावेज बन जाएगा, आप किस तरीके से अपने पार्ट में प्रशासन चाहते हो। जैसे पाकिस्तान ने मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर, मगर लेकिन भारत ने खुद को किसी भी धर्म का राष्ट्र घोषित करने की बात नहीं कही, उन्होंने खुद को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संज्ञा के रूप में ही बेशक भारत में बहुत, लेकिन फिर भी भारत के जो दिग्गज नेता थे जिनकी सोच को हम आज देखते हैं, उन नेताओं ने उस समय, अगर हम एक और चीज देखें तो लगभग ज्यादातर नेता हिंदू थे, तो फिर भी उन लोगों ने भारत
कि एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बजाय एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करना मैं ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि भारत के उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से इस चीज को देखा था, क्योंकि उस समय के जो हालात थे, एक हम पार्टीशन पहले देख चुके थे और नेता नहीं चाहते कि आने वाले समय में कोई ऐसा और सीन हमें देखना पड़े। इसीलिए भारत को, भारत में रह रहे मुस्लिम और जो संप्रदाय थे, उन लोगों की विचारधारा को भी एक साथ लेके आने के लिए और उनका भारत में एक सुरक्षित स्थान निश्चित करने के लिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में जाना जाना बहुत जरूरी था उस समय के हालात के अनुसार। अब एक और बात है कि वह खुद कानून में था। देखो, संविधान बनने का अधिकार तो इनको मिल ही चुका था, उसके बाद अगर वह चाहें तो 1935 का एक्ट ही लागू कर सकते हैं उसको सुधार के। ब्रिटिश शासन के विधेयकों पर मताधिकार 1935 के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। ब्रिटिश शासक के नाम पर कोई भी अगर विधेयक आ जाए तो जो गवर्नर जनरल पद बनाया था, इन्होंने वायसराय खत्म कर दिया, सचिव खत्म कर दिया और आखिर में एक पद रह गया था गवर्नर जनरल, जो हमारे आखिरी गवर्नर जनरल हम जिसको जानते हैं श्री राजगोपाल, वह इसी के तहत आया था। क्योंकि ये देखो, एक छोटी सी अगर हम सोचें कि जब तक हम देखते हैं कि हमारा लगभग 1858 और वायसराय यह पद चले आ रहे थे, मगर लेकिन 1900 भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? मिनी आ गया था भारत का। अब इसके अंदर उन्होंने गवर्नर राजगोपालाचारी पढ़ते हैं, उसके बाद भारत का जो शाही उपाधि भारत का सम्राट, इसको भी खत्म करने योग्य हैं। उसके बाद अगली अगर हम बात करें नियुक्ति करने और पदों पर आरक्षण करने की प्रणाली कर दी थी, पर लेकिन एक चीज था, जो पिछले सेवा कर्मचारी थे वही सुविधाएं मिली जो उन्हें पहले मिलती थी, यह ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन को वो देख सकता है कि क्या सिविल की परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन उठा उठा सकता है वह, कि इस संदर्भ में आप बताइए कौन सा तथ्य ठीक है, तो यह स्टेटमेंट आ सकती है। 47 के बाद सिविल कर्मचारियों को वही सुविधा, अब लगभग ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, जो 14-15 का हमारा, 14 की आखिरी रात थी और 15 अगस्त का हमारा था। अब लगभग हम आजाद हो चुके हैं और संविधान सभा के बारे में अब अगला हम पढ़ेंगे। अब यह देखना जरूरी है कि देखो, पढ़ाई और हमारी शिक्षाएं एक तरफ रहती हैं, मगर लेकिन अगर हम जानना चाहें ना, इसके अंदर भी हम जब एक राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो ये हमारा ऐतिहासिक दृष्टि थी कि उसका विकास कैसे हुआ, कि एक भारत का संविधान बन रहा है या भारत की राज्य व्यवस्था चल रही है, जो उसका ऐतिहासिक दृष्टि क्या थी, इतिहास में उसमें कौन सी घटनाएं हुई थी, कौन से एक्ट पास हुए, किस गवर्नर जनरल ने एक्ट पास किए, ये हमने जाना है जो हमारा पिछला लेक्चर था और अभी तक का था। अब हम देखते हैं भारत के अंदर संविधान सभा, लगभग देखिए जो अंतरिम सकते हैं, लगभग जो कुछ महत्वपूर्ण हमारे नेता थे उनके विभाग अंदर, तो अगर हम सरकार चली थी, जो कार्यकारी सरकार हमारी चल रही थी, ठीक है, इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष थे और राष्ट्रमंडल विदेश मामले इनको पास रखे गए थे, और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय था,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति हुए उनके पास खाद्य व कृषि था, जॉन मथाई के पास उद्योग नागरिक आपूर्ति था, जगजीवन राम के पास श्रम योग था और सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। अब ये लगभग हमारे नेताओं की सूची है जो उस टाइम की अंतरिम सरकार के पास जो इनके पास विभाग थे, या कहते हैं उस टाइम की कैबिनेट की हम बात करें अंतरिम सरकार की। अब एक और देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी सी हेर फेर हो जाती है। एक तो हमने 1947 से पहले की बात करी, अब जब 1947 में हम आज़ाद हो चुके हैं, उसके बाद भारतीय सरकार बनती है, उसका पहला मंत्रिमंडल हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बना दिया जाता है, गृह मंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, खाद्य मंत्री हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे शिक्षा मंत्री हैं और जॉन मथाई को रेलवे मंत्रालय दिया गया था। अगर हम देखें जॉन मथाई, प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्री था, कुछ ज़्यादा चेंज। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की मांग कब शुरू हुई, बहुत बार पूछे जाते हैं क्यों संविधान सभा को बनाया गया, ऐसा क्या जरूरी पड़ गया था कि हमें संविधान सभा बनानी पड़ी। कुछ बहुत सारे कारण हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। अब लगभग हम यही चीजें देखते हैं कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले हम देखें जो तथ्य हमें मिलते हैं, 1934 में पहली बार ने रखा था संविधान सभा के गठन का विचार, विचार है ये, मांग हम कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या थे, एक वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने भी संविधान के निर्माण की मांग की, ठीक है। अब एक और चीज़ है, अब ना कुछ एक चर्चा होती है कि इतने दिग्गज नेता होने के बाद भी आखिर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के गठन का जिम्मा लिया, उन्होंने संविधान लिखा, उसके कुछ महत्वपूर्ण साथी थे ठीक है जो संविधान सभा के अंदर थे, उनके साथ विचार विमर्श करने के बाद, इतने देशों के संविधान को रीड करने के बाद जो उनके अच्छे अच्छे फैक्ट थे हमारे संविधान के अंदर लेकर आए। देखो कोशिश बहुत सारे नेताओं द्वारा की गई थी, पर लेकिन वह चीज़ें नहीं कर पाए और संविधान सभा उनको संविधान सभा के अंदर उसको क्रिटिसाइज हुआ तो देखा कि अब ये चीज़ें नहीं चल रही। तो अब देखा है कि लास्ट में जब हम संविधान के गठन की बात करते हैं तो संविधान सभा की गठन की बात हमारी 1934 से चल रही है, फिर 38 में होती है, उसके बाद नेहरू की एक घोषणा होती है, नेहरू द्वारा जो मांग थी ठीक है उसको लगभग ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था ठीक है, कि हम जो भी मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन करेंगे और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। बाहरी हस्तक्षेप अगर हम देखें तो लगभग वो अंग्रेजों की तरफ ही या ब्रिटिश के तरफ ही इशारा कर रहे थे कि हमारे द्वारा जो भी संविधान सभा की का गठन किया जाएगा उसमें आपका हस्तक्षेप नहीं होगा, हम खुद उसके बारे में जानेंगे। अब एक और यहाँ कुछ हम देख लेते हैं कि हमारे जो जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है कि 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव पास जाना जाता है ठीक,
घोषणा थी, ठीक है, अगस्त घोषणा थी, एक अगस्त प्रस्ताव था, ठीक है। अगस्त घोषणा से पहले हमारा अगस्त प्रस्ताव आता है, ठीक है। अगस्त घोषणा जो हमारी है वो लगभग भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में दी गई थी, और अगस्त प्रस्ताव हमारा, जो अगस्त प्रस्ताव है वह हमारा संवैधानिक आधार पर माना जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इन्हें क्रम से रखिए कि कौन सा प्रस्ताव पहले आया या कौन सी घोषणा पहले हुई, तो हमारा अगस्त प्रस्ताव अगस्त घोषणा से पहले होगा। अब सीधी सी बात है कि संविधान सभा का गठन होता है, गठन के जो तरीके थे, इसकी क्वेश्चन कुल संख्या थी, इसके बारे में देते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही प्रस्ताव हुआ कि 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया गया, गठित हो गई नंबर 1946 में। और इसकी कुल सदस्य अगर हम देखें, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन में आ जाए, तो 389 हमारे कुल सदस्य थे, जिसके अंदर 996 ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित करी गई थी, और लगभग 11 गवर्नरों के प्रांतों के 2 सदस्य। देखो, जो 2 सदस्य थे वह मुस्लिम और सिख को छोड़कर अपॉइंट किए गए थे, किसी और कास्ट के या किसी और संप्रदाय से आए थे। उसके बाद प्रत्येक समुदाय का चुनाव प्रांतीय असेंबली के उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था, एकल संक्रमणीय मत के आधार पर, और माध्यमिक समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया गया, जो तरीका आज हमारा राष्ट्रपति चुनाव के लिए यूज किया जाता है, वह ही संविधान सभा के सदस्यों के गठन के लिए किया गया। देशी रियासतों का चयन उनके प्रमुखों द्वारा किया गया। देखो, जिसका जो जो भी रियासत था, चाहे वो राजा खुद चला गया, चाहे उसने किसी अपने जो योग्य नेता थे उसको भेजा, ये देशी रियासतों का था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद गठन लगभग हमारा 1946 चुनाव हो चुका था, लगभग 1946 अगस्त 1946 के आसपास गठन हम नवंबर के में कहते हैं, तो सदस्यों का चुनाव लगभग जुलाई अगस्त में हो चुका था। सीटें हमने टोटल देखा कि 396 थी, और उसके बाद 208, जिसको अब चुनाव की में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीटें। अब इसके अंदर आ जाता है संविधान सभा की कार्य प्रणाली क्या थी। अब देखो, चुनाव ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत अलग अलग एग्जाम में आपने देखा होगा, ये आता सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। लीग ने लगभग बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान की मांग पर बल रखा, और केवल ने हिस्सा लिया था। फ्रांस की तरह सबसे ब्रिटिश सदस्य डॉक्टर चित्तानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष लिया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में, देखो अगर अस्थायी सदस्य की बात है, अगर हम यह कह दें, कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है संविधान सभा का पहला स्थायी सदस्य तो हमारा राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी सदस्य हमारे अध्यक्ष थे जो वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसी प्रकार डॉक्टर H.C. मुखर्जी वी.टी. कृष्ण मुरारी उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव है, दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। देखो, उप अध्यक्ष की अगर अध्यक्ष और उप अध्यक्ष की बात आ जाए, तो संविधान सभा का एक अध्यक्ष और 2 उप अध्यक्ष थे। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो हमारा न्यू क्वेश्चन हम जानेंगे उसके बारे में,
छोटी सी बात है, देखो भाई हमारा संविधान सभा बन गई, ठीक है, संविधान सभा की कार्य प्रणाली हमने देख ली, उसके मेंबरों का पता कर लिया, अब लास्ट में क्या करेंगे, वो अपना प्रस्ताव रखेंगे, उनका उद्देश्य क्या है, बनाया क्यों बनाया, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया, जिसके संवैधानिक संरचना के ढांचे दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया था कि यह संविधान सभा भारत के स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन चलाने के लिए के संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। और ये देखो भविष्य, इसमें बात गई कि आज तक अगर हम देखें, देखो क्रिटिसाइज करने वालों का आप मुंह बंद नहीं कर सकते, तथ्य होते हैं, कुछ संविधान के अगेंस्ट भी जाते हैं, कुछ संविधान के पक्ष में भी, अगर हम एक निरपक्ष होकर अगर एक एनालिसिस करके देखें पक्ष और के तथ्यों को, अगर हम एनालिटिकल तरीके से देखें, तो आज भारत का प्रशासन इतने अच्छे तरीके से चल रहा है तो वह भारतीय संविधान की और भारत की राज्य व्यवस्था की वजह से ही चल रहा है। डॉक्टर भीमराव की एक स्टेटमेंट, जब भी आप राज्य व्यवस्था पढ़ोगे तो डॉक्टर भीमराव की एक स्टेटमेंट थी, संविधान अंततः गलत साबित होगा अगर इसको लागू करने वाले लोग गलत हैं, और संविधान अंततः बिल्कुल उचित साबित होगा अगर इसको लागू करने वाले लोग उचित सोच के मालिक हैं। मीनिंग देश का प्रशासन, देश का संविधानिक ढांचा लागू कौन कर रहा है, ये उस पर डिपेंड है। और भारत के संविधान की डिमांड अलग अलग देशों द्वारा, जो भारत से बाद में ब्रिटिश से चंगुल या किसी और राष्ट्र से आज़ाद हुए, तो उनको द्वारा भारत का संविधान की तरफ एक अच्छी निगाह से देखा गया और इससे अच्छे इफेक्ट उन्होंने लिए गए हैं। इसके बारे में हम नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका के जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में ही स्टेटमेंट दी थी कि अगर भारत से कुछ लेने योग्य है तो वह भारत का संविधान है। तो इसके बाद उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों में उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, यह संविधान सभा के उद्देश्य थे। संप्रभु राष्ट्र, संप्रभु सरकार, अभिन्न अंग सरकार के सभी स्रोतों भारत की जनता के रूप में ही होगा, यह भी उनका उद्देश्य था। भारत के लोगों के लिए न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, क्षमता, यह सभी इनके उद्देश्य के अंदर थे। अल्पसंख्यक उनको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता अक्षुण बनाए रखने के लिए इसके भू क्षेत्र, समुद्र, वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय विधि अनुरूप सुरक्षा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, यह भी एक फैक्चुअल चुनाव बन सकता है। प्रस्ताव पास हुआ था 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर को, और 21 जनवरी को इसको स्वीकार भी कर लिया गया था। उसके बाद स्वतंत्रता के अधिनियम द्वारा परिवर्तन हुआ था कुछ संविधान सभा में, अब यह सोचने वाला है, ये पॉइंट अगर हम देखें इससे भी अगर थोड़ा एडवांस सोचकर देखें कि जब भारत आजाद तो हुआ था लगभग आपका 15 अगस्त 1947 को, संविधान सभा आपकी बन चुकी है नवंबर 1946 में, यानी कि 46 में जो पाकिस्तान डिमांड करने वाली लीग थी वह भी संविधान सभा का पर, लेकिन उन लोगों ने इसकी हर एक सभा का बाइकाट किया, और जब यह 3 जून 1947 को भारत के माउंट बेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया और एक प्रत्यक्ष राष्ट्र पाकिस्तान बना दिया गया, तो लगभग क्या हुआ कि जब स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ तो जो देशी रियासतें थी वह धीरे धीरे संविधान सभा का हिस्सा बनने लगी, क्योंकि देखो वहाँ के जो नेता थे, वहाँ के जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, या एजुकेशन थे, या राष्ट्रवादी नेता, उन्होंने दर्शकों के साथ बात की और भारत या करना शुरू कर दी थी।
नियम 1947 में परिवर्तन आए। अब ये देखना, तीन परिवर्तन कौन से थे? सभा को संप्रभु निकाय बना दिया गया, स्वेच्छा से कोई बना सक जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त कर सकती है, बदलने का अधिकार दिया गया है। एक विधायिका बना सकती है, यह भी उसका अधिकार था। और उसके बाद स्वतंत्र देश के कानून लागू करना और अलग अलग दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। अगर हम देखें तो, अगर तथ्यों के आधार पर देखें तो भारत की पहली संसद हम संविधान सभा को कह सकते हैं, जो कानून का निर्माण करेगी। भारत में कानून किस तरह चलेगा, कानून व्यवस्था, अब इसकी लगभग इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते रहे। संविधान सभा अब एक चीज देखिए, आप यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, आप यहाँ से कुछ चीज नवी सीखेंगे। यहाँ से एक चीज देखिए, संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की, तो अध्यक्ष हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, और जब विधायिका के रूप में हुई तो अध्यक्ष हमारे जीवी मावलंकर थे, जो हमारे पहले अध्यक्ष के बाद मुस्लिम लीग के सदस्य क्षेत्र में शामिल हो चुके थे। जो 399 सीटों की बजाय 299 सीटों पर ही संविधान सभा, और 296 में से 229 देशी रियासतों से, और उसके बाद 31 दिसंबर 1947 को ज्यादातर जो राज्यवार सदस्य की तालिका थी वो हम देख सकते हैं, कितने कितने लोग थे हर एक राज्य से, इसके बारे में हम जान सकते हैं कितने लोगों ने। जो सदस्यों की संख्या है वह हम एक अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हर राज्य से, जैसे पंजाब से, जैसे हरियाणा, हरियाणा तो उस टाइम नहीं था, लगभग उत्तरी प्रांत थे या जितने भी देशी रियासतें थी वहाँ से कितने बने। और इसके अलावा जो हम बातें कर रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा जब गठन हुआ उसने अपनी तालिका, और इसके जो सत्र हुए हैं ना, उन सत्रों पर हम एक ध्यान लगा लेते हैं। जो पहला सत्र है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला सत्र हमारा 9 से 23 दिसंबर तक चला, 1946 तक। 1946 में है, नवंबर में इसका गठन हो चुका है। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक हम भारतीय संविधान सभा के पहले सत्र की बात करते हैं। जैसे आज हमारा लगभग 11वां सत्र हम देखें तो 11 सत्र हुए टोटल, तो आखिरी सत्र हमारा यह है 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक था, ठीक है। और यह सत्र थे, लगभग टोटल 11 सत्र हुए हैं, और इनकी
अवधि भी आपने देखा है लगभग 9 से 10, 10 से 11, 12 के करीब दिनों का एक सत्र बैठता था। और हमने इस सत्र को अब एक देख लेते हैं, 1947 में जो चुनाव हुए थे, 1946 में जो चुनाव हुए थे संविधान सभा के लिए, कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, लीग को 73 सीटें, कुल टोटल 296 पे। और जो समुदाय के आधार पर अग्रिम अनुसूचित जाति 31, ईसाई, पिछड़ी जातियां, सिख, इंडियन, एग्लो पारसी, ये सब हम देख सकते हैं इतने। अब संविधान सभा का चुनाव हुआ, संविधान सभा के ऊपर रिसर्च करने वाले लोगों ने कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि संप्रभुता की जो बात करते हैं, इसके अंदर कहीं भी संप्रभुता नाम की नहीं चीज थी। ठीक है, सिर्फ ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी। हम यहाँ कह सकते हैं कि यह संप्रभु निकाय नहीं था। समय की बर्बादी की गई है, लगभग 11 महीने 18 दिन बोला गया है, क्या कहने बर्बाद हुआ लगभग। यह सिर्फ आलोचकों का विचार है। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का प्रभुत्व था कि उस का प्रभुत्व उस समय कांग्रेस। अब अगर हम इन आलोचकों के हिसाब से देखें तो उस समय अगर भारत की आजादी के लिए कोई एक दल या एक विचारधारा या एक सोच कर रही थी, तो वो कांग्रेस बहुत बड़े पद्धर पे था, बहुत बड़े एरिया में जिसका प्रभाव था वह कांग्रेस। तो लगभग कह रहे हैं कि कांग्रेसियों का प्रभुत्व था इसके अंदर। और उसके बाद वकील और राजनीतिक थे, ठीक है, मूवीज को बोला जाता है क्योंकि वकील ज्यादा थे और हिंदुओं का प्रभुत्व ज्यादा था। ने ये तो कह दिया था कि ये हिंदुओं का ही निकाय था, क्योंकि इसके अंदर आपने देखा होगा 180 के करीब अभी ये चीजें देखने लायक हैं कि हमने यहाँ से सीखा गया है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, आखिरी बैठक, पहला सत्र, आखिरी सत्र, इसके जो मेंबर थे, समितियां देख लेते हैं, समितियों के जो अध्यक्ष हैं वह देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण समितियां हमारे पास हैं, जैसे देखें जो नियमों संबंधी समिति थी, राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे, संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद थे, वित्त व स्टाफ के राजेंद्र प्रसाद थे, तीन समितियों के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, और आवास समिति, राज्य समिति, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है समिति, या खरड़ा समिति भी इसको बोला जाता है, तो इसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और उसके बाद मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति थी उसे जे बी कृपलानी थे, सलाहकारी समिति वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान का प्रभाव में आना, अब संविधान लागू कब हुआ? ठीक है, अब यहां से तो सबने देखा कि 4 नवंबर को अंतिम रूप पेश किया था। ठीक है, और इसे पहली बार कब पढ़ा गया ये भी पूछा जा सकता है। 4 नवंबर 1948 को अंतिम रूप प्रकाशित करके संविधान पहली बार पढ़ा गया। 5 दिन आम चर्चा हुई, फिर दूसरी बार चर्चा शुरू की गई, लगभग 14 नवंबर तक इस पर विचार होता रहा। और जो आखिरी आपका सत्र था 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक का था, और 26 नवंबर के दिन इसको क्या था, अपना लिया गया था और लागू नहीं किया गया अभी। ठीक है, लागू किया गया तो जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा को अपनाया, लागू किया या संविधान को, अब ये 26 नवंबर को अपनाया गया संविधान में प्रस्तावना 358 अनुसूचियां थी। अब इसको लागू कब करेंगे ये?
देखिए 26 नवंबर से लेके 26 जनवरी तक का 1 महीने का गैप इन्होंने डाल दिया, सॉरी 2 महीने का, 2 महीने गैप था लगभग, 2 महीने के गैप इन्होंने क्यों रखा 26 जनवरी 1950 को। यह एक महत्वपूर्ण दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में, जहां पे संकल्प पास किया था, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, उसी को ध्यान में रखते हुए गणतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मान्यता दी गई, और इसी दिन भारत के संविधान को और लगभग हमने देखो यहाँ से संविधान सभा के गठन और संविधान के इतिहास की पृष्ठभूमि, 2 लेक्चर में हमने इस चीज़ को जाना है, और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे हो, और आने वाले समय में हम इसी प्रकार की जो हमारी मेहनत है उसको करते रहेंगे, और आपका साथ मिलेगा, और हम इसके ऊपर चर्चा गहराई से करेंगे, और जो भी हमारे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ या आपके रिलेटेड जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।